गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.1। जो हमने फर्स्ट जो 5 क्वेश्चंस थे वो एक्सरसाइज के डिस्कस कर लिए। अब इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो भी शेप होता है उसके एंगल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी हमारे पास जो शेप है वो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 4 साइड्स है। जब भी 4 साइड्स का सम करेंगे तो हर बार आंसर कितना आता है? 360। तो अब हमें ये गिवन साइड है x है 50 130 120, हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो हमें सभी साइड्स का सम करना होगा। हमारे पास सम ऑफ एंगल्स है, हम सभी एंगल्स का सम करेंगे। x प्लस 50 प्लस 130 प्लस 120 वो बराबर आता है 360 डिग्री। कितना के बराबर आता है? 360 के। तो ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 180 प्लस 120 160 और 360 बैठ करेंगे तो 300 आ जाएगा, इक्वल टू 300। एक्स की जो वैल्यू आ गई वो 60 डिग्री, वो हमारे पास 60 डिग्री। एक्स का जो आंसर आता है वो 60। देन हमारे पास इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 राइट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम दी है, तो यहाँ पे एक एंगल है 670 एक 60। अगर बाहर वाला एंगल 90 डिग्री का हो तो अंदर वाला भी 90 का होता है, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स का सम 180 रहता है। दोबारा से हम ऐड करेंगे x प्लस 70 डिग्री प्लस 90 प्लस 60 इक्वल्स टू 360 डिग्री। 360 तो x आ गया, x प्लस 70 प्लस 150 इक्वल्स टू 360। तो x आ गया 220 डिग्री इक्वल्स टू 360। तो x की जो वैल्यू आ गई 360 माइनस 220 डिग्री, हमने सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास आता है 0 4 1 140 डिग्री का आंसर। तो हमारे पास जो सी शेप रहेगा अब हम उसको बना रहे हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम अब पार्ट में एक पेंटागन बनाए और इस पेंटागन की सारी साइड्स बराबर दी है। अगर एक एंगल x है तो सारे के सारे एंगल्स कितने होंगे? x x x हमें सिर्फ x 5 बार ऐड करना है। 2 3 4 5 2 3 4 5 टाइम x है और जब 5 टाइम एंगल्स रहता है, अगर हमारे पास 5 एंगल्स रहे तो आंसर आता है 540। अब ये 540 आया कहां से? तो हम क्वेश्चन में ही राइट कर लेते हैं। हमारे पास एंगल निकालना है तो हम एंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे पास एंगल रहता है, एंगल का सम निकालना हो तो 180 माइनस साइड कितने हैं वो, सॉरी n माइनस 10 n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। तो एक नंबर ऑफ साइड है, 5 साइड है, माइनस किया 180 को 3 आ गया 180, दैट इज 540 डिग्री। तो आ गया हमारे पास 5x इक्वल्स टू 540, x इक्वल्स टू आ गया तो आएगा 80 डिग्री, 108 डिग्री आएगा सर, 108 डिग्री। हमारे पास आंसर रहता है 108 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, हमने फोर्थ क्वेश्चन की हमने डायग्राम बना ली। हमारे पास एक एंगल है 30 डिग्री, एक एक्स ए बी एक्स, हमने इसको वाई माना, इस वाले को जेड, और बाहर वाला 70 दिया है और ये बाहर वाला 60। तो ये सारे के सारे ये वाले एक्सटीरियर एंगल है और ये वाले इंटीरियर एंगल है। हमने ये जेड एंगल और वाई एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया लीनियर पेयर एंगल। एक लीनियर पेयर एंगल का सम 180 होता है, हम लिखा y प्लस 70 इक्वल टू 180, y की वैल्यू 110 आ गई।
और उसी के साथ हमने दूसरा लिखा तो हमारे पास 0.20 आ गया। अब मुझे निकालना है कि सम ऑफ एंगल कितना आता है, सम ऑफ एंगल। तो दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे n माइनस टू मल्टीप्लाई 180। अब साइड्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। n की वैल्यू 5 आती है, माइनस टू मल्टीप्लाई 180, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 180, दैट इज 540 डिग्री। हमारे पास 540 आ गया। अब हम सभी एंगल्स का सम करेंगे। हमारे पास आ गया 130 डिग्री प्लस 110 डिग्री, 120 डिग्री और एक्स, और एक्स इक्वल टू 540। ऐड करेंगे हम, 2x आ गया प्लस 30 में ये ऐड किया, 140 डिग्री आया और 120 डिग्री 540 डिग्री। तो 2x प्लस जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 260 आ जाएगा। 2x इक्वल टू 540 माइनस 260 जब सब्सट्रैक्ट किया 0, ये 4 आया, ये 280 आ गया और 2x की वैल्यू आती है 140 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन आंसर आ गया 140 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन इसी के साथ खत्म हो गया।